वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बैंक रोड। ये असल में क्या चीज़ है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हैं सड़क पर, तो जब कोई एक शार्प कट आता है या एक लंबी मोड़ आती है, जैसे मोटरवे पर आप ट्रैवल कर रहे हैं या हाईवे पर आते हैं, तो एक तरफ से सड़क जो है वो थोड़ा सा उसको उठाया हुआ होता है किसी एंगल पर, मतलब कि दूसरे से झुकी होती है। इसको कहते हैं बैंक कर्व, बैंकिंग। अब यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि बैंक कर्व बनाने की वजह क्या होती है, इसको हम पढ़ते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है अगर बैंक कर्व ना हो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी को हमने एक लेवल रोड बेड पर रखा हुआ, ये लेवल है और ये टर्न कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये टर्न कर रही है इसका मतलब है इसको एक नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है, इसकी वजह से ये एक सर्कल में मूव कर रही है। लाइकवाइज इन फिगर नंबर वन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, फिगर वन के अंदर ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक क्या है, ये किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो एक ख़ास रेडियस, जो कि सेंटर से आपको पता है फासला होता है सर्कमफेरेंस तक का, एक ख़ास रेडियस के अलॉन्ग जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है ख़ास कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये एक लेवल रोड है। अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से ऐड कर रही है, कंसिडर दिस ब्लॉक एज अ कार, जैसे ये कार है, ठीक है, इसका अपना एक वेट है जो कि ऐड कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस वेट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ एम जी, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो है एक नॉर्मल फोर्स है वो एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है ऊपर नहीं जा रही, वर्टिकल इसकी मूवमेंट नहीं है, जो कि ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अब इसके अंदर एक और बात भी है कि ये गाड़ी क्योंकि सर्कल में मूव कर रही है इसलिए इसको एक सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज सेंट्रीपेटल फोर्स जो है हमेशा होती है टुवर्ड द सेंटर होती है, ये मैं टुवर्ड द सेंटर बना रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये पी है, एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर, वेक्टर बना देते हैं ये वेक्टर। और रेडियस की डायरेक्शन क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस इज रेडिली आउटवर्ड, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो अब ये गाड़ी मूव करने की वजह क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपेटल फोर्स इस गाड़ी के जो साइड वाइज जो टायर्स हैं ना, बाहर वाले टायर हैं, वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि वो इस सर्कल में मूव करें। लेकिन अगर आप एक शॉर्टर रेडियस पर ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करने की कोशिश करोगे तो अक्सर एक्सपेरिमेंटली असल में हकीकत में होता क्या है, गाड़ी टॉपल कर जाती है, स्किड कर जाती है। वो स्किड क्यों कर जाती है, क्योंकि ये साइड वाइज जो टायर्स हैं वो इतनी नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते जिससे ये गाड़ी जो है सर्कल में मूव कर सके, इसलिए ये अपना पाथ जो है सर्कुलर पाथ लाइक ये ब्लॉक जो है, अगर मैं इसको मतलब कि नेसेसरी इसकी फ्रिक्शन जो है ये नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड ना करे तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं, एक्टिंग आउटवर्ड सेम मैग्नीट्यूड जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्ड लग रहा, तो ये बाहर की तरफ गिर जाएगी, निकल जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैंड कर्व बनाते हैं। अब ये देखें, ये ग्राफ जो है डायग्राम क्या बता रही है, ऐसे मैंने यहाँ पे डायग्राम लाई है, वेट कर रहा है वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, और इसके ऑपोजिट जो है ब्लॉक पर जो है नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है लाइक दिस, ठीक है, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, और ये जो है पी जो है ये बता रहा है कि वो सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि इनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, इसको पी से कह दें, आप इसको एफ कह दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ये है बेसिक कंसेप्ट कि अगर लेवल रोड बेड होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको थोड़ा सा बैंक बना दिया, बैंक से होगा क्या। अब इस केस में ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, सिर्फ एक चीज़ आपने याद करनी है, वो ये है कि जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स, ठीक है, एंड रोड, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन अगर वो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये अपना पाथ जो है छोड़ देगी। अब अगली बात हम करते हैं, ये हमने बना दी बैंक्ड कर्व बना दी। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब ये फिगर नंबर थ्री के अंदर आप आराम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि हमने वो जो रोड थी या जो वो रेल थी जिस पर वो गाड़ी है या ट्रेन है या जो कार है रोड बेड है उसको थोड़ा सा बैंक कर दिया, कर्व दे दिया ना, उससे होगा क्या, मैथमेटिकली इसको हम प्रूव करते हैं। ये एक ब्लॉक की फॉर्म है, ये मैंने गाड़ी की फॉर्म में तस्वीर को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ज़रा ये गौर से देखिएगा कि नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट कर रही थी,
अपवर्ड कर रही थी पहले इनिशियली, अब वो किसी एंगल थीटा पर मूव कर गई है। क्यों ये हमारे पास, क्योंकि पहले ही हमारे पास रोड लेवल थी, ठीक है, और जब मैंने इसको बैंक किया, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जो होती है ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, वो भी जो है थीटा, जो ये थीटा ना, ये वाला थीटा, इसी थीटा पर वो मूव कर जाएगी नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये थीटा और ये दोनों थीटा, मतलब कि इसको अगर मैं कहता हूँ वन थीटा और ये जो हमारे पास टू थीटा है, ये दोनों सेम हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और ये सेम क्यों है, ये मैथमेटिक्स का एक रूल है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, अभी हम मैथमेटिक्स का एक रूल देखते हैं, या लॉजिकली हम इसको देखते हैं, हम डिफ़िकल्ट पोर्शन में नहीं जाते, लॉजिकली देखते हैं। चले, ये मेरे पास, ठीक है, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरे पास है एक वर्टिकल लाइन, इन इसको मैंने कह दिया लाइन ए, इसको मैंने कह दिया लाइन बी। अब इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो मेरे पास एक सरफेस बन रही थी ए बी इन लाइंस की वजह से, इनको मैं थोड़ा सा टिल्ट किया, ए को ऊपर की तरफ टिल्ट करता हूँ लाइक दिस, किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, ए को मैंने टिल्ट कर दिया, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज ए डैश, तो ऑटोमेटिकली बी क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बी भी क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा, ठीक है, बी डैश नई पोजीशन इसकी ये बन जाएगी। और क्योंकि ये ए और बी डैश, पहले ए बी 90 डिग्री था और ए डैश बी डैश भी क्या रहेंगे, 90 डिग्री ही रहेंगे, लेकिन ये जो ए डैश है ये अपनी पोजीशन ए से जो कि लेवल थी थीटा मूव किया है, तो ये बी डैश बी से भी कितना मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, ऑटोमेटिकली थीटा ही मूव करेगा। तो अगर इस डायग्राम को, इस फिगर को आप देख रहे हैं और इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर फौरन करता हूँ इस डायग्राम के साथ, ये देखिएगा अभी ये हमारे पास जो लेवल रोड थी, मैं इसी के साथ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, और ये इनिशियल थी, ठीक है, जिस पर ये वेक्टर फॉल कर रहा था जो नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, ये थोड़ी सी बैंक कर दी, ये देखें ये बैंक होगी ना, कर्व होगी थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, थोड़ा सा वक्त मैंने इसलिए लगाया ताकि अभी कंसेप्ट समझ आ जाए कि ये वाला थीटा जो है नीचे वाला वन थीटा, ये थीटा टू के बराबर कैसे है। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि जब ये हमने एक इसको एंगल दिया, इसको कर्व किया, ये नॉर्मल जो फोर्स थी वो भी एक एंगल पर फॉल कर गई, तो जारी बात है अब इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली डायग्राम में सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट था जो कि जेड एक्सिस का लॉन्ग था, रेडियल कंपोनेंट नहीं था। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहा, अब इसके अंदर एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, लाइक ये हमारे पास बन जाएगी अगर हम इसको, इस वेक्टर एन को जो है इसको इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जेड और रेडियल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करता हूँ, तो ये इसके पास एक इसका बन जाएगा एन का एक जेड कंपोनेंट बन जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये का बन जाएगा एन आर बन जाएगा, ठीक है, दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि ये पहले सॉरी ये एन यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अब इसके ये दो कंपोनेंट्स बन गए, पहला बन गया है ये देखिएगा यूँ था पहले, ठीक है, एक के बन गया है एन आर, और ये वाला कंपोनेंट बन गया है एन जेड, ठीक है। अब एन आर जो है, ठीक है, अगर आप देखें ये इनवर्ड है और रेडियस क्या है, आउटवर्ड है, तो ये कंपोनेंट जो होगा रेडियल कंपोनेंट दैट इज़ ऑपोजिट टू द रेडियस, तो मतलब कि एन आर और रेडियस के दरमियान जो आप एंग डायरेक्शन की बात करेंगे वो नेगेटिव होगी। हम इसके आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, अब जरा वो बात करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टॉपिक का वो यही है कि हमने फाइंड करना है वो प्रॉपर एंगल बैंकिंग का जिस पर तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो बगैर ड्रिफ्ट किए या स्किड किए उस मोड से एक स्पीड से गुजर सके। तो इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, जारी बात है ये हमारे पास मूवमेंट है, मूव कर रही बॉडी, तो हम मूवमेंट के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ बेहतरीन हमारा अमल में आता है जो कि है समीशन एफ इजिकल टू एम एस सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इजिकल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो क्योंकि ये दो वर्टिकल दो कंपोनेंट्स में स्प्लिटअप हो गया, डिवाइड हो गया, एक है हमारा रेडियल कंपोनेंट और दूसरा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसी इक्वेशन को हमने पहले बना लिया रेडियल के फॉर्म में पढ़ा, तो समीशन एफ आर इजिकल टू एम ए आर। सबसे पहले तो हम रेडियल कंपोनेंट की बात की, तो ये हमारे पास जो है वो रेडियल कंपोनेंट अलॉन्ग द रेडियस, ये जो हमारे पास रेडियस दैट इज ये जो हमारा कंपोनेंट दैट इज़ अलॉन्ग द ये रेडियस रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। अब
रेडियल कंपोनेंट इज इक्वल टू एम ए ए आर. ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन मतलब कि जो बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर ओवर आर. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली इनवर्ड और रेडियस इज आउटवर्ड. ये एक्सेलरेशन है, इसको मैं एक्सेलरेशन कह रहा हूँ. तो दूसरा हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, तो इनके दरमियान एंगल जो है या इनके दरमियान जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. तो ए आर इज़ नेगेटिव टू आर, तो इसलिए मैंने जो ए आर है उसको मैंने माइनस वी स्क्वायर ओवर आर लिख दिया. माइनस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस. तो ए आर की वैल्यू आ गई माइनस वी स्क्वायर ओवर. और एफ आर मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है. इसमें इस कंडीशन के अंदर जो हम रेडियल की बात करें, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या है, एन आर. और ये एन आर किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एन आर होगा एन साइन ऑफ थीटा. एन साइन ऑफ थीटा क्यों होगा, जरा हम देख लेते हैं. ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये हमारे पास एन आर कंपोनेंट है, ठीक है. थीटा के सामने वाली साइड जो है वो हमेशा क्या होती है, दैट इज़ परपेंडिकुलर. ये बेस या हाइपोटनियस. तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेडियल कंपोनेंट हमारे पास है एफ आर और ये हमारे पास हाइपर, मतलब कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास हमने पढ़ना है. और हमने क्या पढ़नी है, हाइपोटेनियस. हमने बेस को नहीं पढ़ना है क्योंकि बेस है एन जेड, वो एक अलग कंपोनेंट है, उसको हमने अलग डिस्कस करना है. तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है जो हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस देता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बेस की डिस्क्रिप्शन देता है, वो होता है हमारे पास साइन ऑफ थीटा. तो इसलिए मैंने साइन ऑफ थीटा जब लगाया तो वो कहता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर था एन आर, एन आर की जगह ये हमारे पास है वो आ गया एन आर ओवर हाइपोटेनियस क्या है, एन है, ठीक है. तो ये बन जाएगा एन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन आर. एन आर मतलब कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है, इसको एन आर. और मैंने इसको इन द टर्म जब न्यूटन लॉ पढ़ा तो मैंने इसको एफ आर कहा हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है. एन आर कह लें या इसको एफ आर कह लें, ये सेम है, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट. अच्छा, तो माइनस साइन मैंने क्यों इंडिकेट किया, माइनस साइन क्योंकि, माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली इनवर्ड, ठीक है, ये अंदर की तरफ है और रेडियस क्या है, आउटवर्ड है. इसलिए हमने क्या इसको लगा दिया, माइनस का साइन इंडिकेट कर दिया. तो हमारे पास बन गई इक्वेशन एन साइन माइनस एन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर. एम ऐसे ही आ गया और ए आर की जगह मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, एन से एन गया, ठीक है. तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर एन बन गया. साइन ऑफ थीटा क्यों मैंने थीटा वाली वैल्यू को अलहदा किया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही है टू फाइंड द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग. अब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं. चलें वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब कि एन जेड या एफ जेड कह सकते हैं. तो मैंने इस इक्वेशन को, न्यूटन की इस इक्वेशन को दोबारा से लिखा इन द टर्म ऑफ जी कंपोनेंट. तो समीशन एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड. अब ये जो हमारी बैंड कर्व है, मतलब गाड़ी मूव कर रही है ना, ये वर्टिकली ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो मैं कहूँगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो जेड एक्सिस है, उसकी एक्सेलरेशन वहाँ पर कोई नहीं हो रही ना, ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करें नीचे मूव करें, तो ए जेड इज इक्वल टू जीरो. अब समीशन ऑफ एफ जेड मतलब कि जेड कंपोनेंट पर, ये जेड एक्सिस पर कौन कौन सी फोर्सेज अमल में आ रही है. एक तो लग रही है वेट डाउनवर्ड और दूसरी लग रही है जेड एक्सिस पर फोर्सेज, फोर्स जो है वो है एन ऑफ जेड, जेड कंपोनेंट जो है, ठीक है. और ये बनता है, जेड कंपोनेंट बनेगा एन कॉज ऑफ थीटा. जिसमें मैंने साइन थीटा मालूम किया है, उसी तरीके से अगर मैं इस थीटा को दिमाग में रखते हुए, ये देखिएगा मैंने इसको जो एफ जेड है उसको मैंने एन कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी लिखा हुआ है, उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं, ठीक है. ये जो हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने साइड मैंने बताया था दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है. ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटनियस है. हमने जो है वो साइन थीटा पढ़ लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनियस, मतलब कि हमने एन आर निकालना था. अब हमने जब एन जेड की बात की तो हमारे पास आ गई एक बेस और एक हाइपोटनियस. तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेस और हाइपोटनियस के साथ डिस्क्रिप्शन देता है वो होता है कॉज ऑफ थीटा. तो ये बन जाता है कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा कायदा बटा वितर होता है, कायदा मतलब बेस ओवर हाइपोटनियस. तो बेस हमारे पास है एन जेड, ठीक है, और हाइपोटनियस क्या है, एन है. ये वहाँ जाएगा तो एन जेड की जगह एन कॉस ऑफ थीटा. अब मतलब कि ये एक एन जेड कंपोनेंट है या एफ जेड कंपोनेंट है, इसको एन जेड कह लें, एफ जेड कह लें, कन्फ्यूज इस बात से नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है. अच्छा, ये है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और वेट वर्टिकली एड करे डाउनवर्ड तो वो नेगेटिव. तो मतलब नेट जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इस कार के ऊपर, वो क्या लगेगी, नेट फोर्स
एफ जेड जो है माइनस, मतलब एफ जेड मतलब एन जेड माइनस एम जी, या एन कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी। ये बन गया एफ जेड एन कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी। फिर से इसको देख लें कि जो जेड एक्सिस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, एक है नॉर्मल फोर्स का जेड कंपोनेंट जिसकी वैल्यू बनती है एन जेड इज इक्वल टू एन कॉज ऑफ थीटा, और इस वैल्यू के बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है वेट, तो इस दूसरे जो वेट है वो माइनस में उसको कंसिडर किया जाएगा। तो एन कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी मतलब कि ये हॉरिजेंटल जो फोर्सेस हैं जो इस कार के ऊपर अमल में आ रही हैं, एक्ट कर रही हैं वाइल टेकिंग अ टर्न ऑन दिस बैंक कर्व, वो ये है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड फोर्सेज कौन से, एन कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी। तो एफ जेड की जगह हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है, और ए को हमने ज़ीरो कह दिया क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन इसकी कोई नहीं। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये सारी की सारी टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हमने ज़ीरो लिख दिया। और एन कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी, तो यहाँ से कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकाले, एम जी यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और एन मल्टीपल हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगी। मैंने इस साइन ऑफ थीटा वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए कह दिया और साइन ऑफ कॉज ऑफ थीटा वाली इक्वेशन को बी कह दिया। अब इक्वेशन ए और बी को मैंने डिवाइड किया क्योंकि मेरा मकसद है वो थीटा को मालूम करना है कंबाइनली दोनों फोर्सेस को पढ़ने के बाद। तो मैंने जब डिवाइड किया साइन थीटा और कॉज थीटा बना, तो साइन थीटा की वैल्यू थी एम वी स्क्वायर और आर एन, ये लिख दिया एज इट इज़। और उसके बाद जो है डिवाइड किया एम जी ओवर एन, बेसिक ये मैथमेटिक्स है, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया, तो एन से एन गया, एम से एम गया। तो फाइनली आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, वो आ गई वी स्क्वायर ओवर जी आर। तो यहाँ से आप थीटा भी मालूम कर सकते हैं, थीटा ये बनेगा, अगर आपने थीटा मालूम करना है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर ओवर जी आर। ये हमारा आज का टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था। अभी अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, अगर आपने पिछले मेरा कॉनिकल पंडोलम वाला लेक्चर देखा होगा, तो इस इक्वेशन को अगर देखें तो दैट इज़ इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द कॉनिकल पंडोलम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अगर हम इसको पढ़ना चाहें द टर्म ऑफ कॉनिकल पंडोलम, तो तब भी ठीक है कि जब एक गाड़ी मूव कर रही है बैंक कर्व के अंदर, ठीक है, दैट मूवमेंट या मोशन इज़ जस्ट लाइक द कॉनिकल पंडोलम, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी किस्म की क्यूरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था जिसके सब टॉपिक्स हमने चार पढ़े हैं, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने कॉनिकल पंडुलम पढ़ा है, रोटर पढ़ा है, बैंक कर्व पढ़ा है, ठीक है, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।